जय माता दी। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है देव गुरु बृहस्पति के ऊपर कुंडली विश्लेषण अध्ययन के लिए, ज्योतिषीय परामर्श के लिए, ओरा स्कैनिंग के लिए, वास्तु के लिए आप हमारे नंबर 90-12-95-17-57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। बड़ा शॉर्टली तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। देखो, देव गुरु बृहस्पति का जो कार्य तत्व होता है वो होता है हमारे शादीशुदा जीवन से, संतान से, ठीक है, हमारे भाग्य से, हमारे धन से, हमारी जीवन में ऊंचाइयों से, हमारे जीवन में बैलेंस से, और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसका भी रोल देव गुरु बृहस्पति का होता है। ज्ञान से, अध्यात्म से, प्रकाश से, सबसे देव गुरु बृहस्पति का संबंध है। अगर देव गुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो बाकी ग्रह भी शुभ परिणाम देते हुए देखे गए हैं। बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति अगर लगन में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। देखो साहब, लगन के देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन लगन के अंदर अगर संख्या आ रही है, जो मैं बताना जा रहा हूं, लगन के अंदर संख्या आ रही है 7, 2, ठीक है, 7 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक, और आपका 10 है, ठीक है, इन राशियों में देव गुरु बृहस्पति का लगन में प्रभाव अच्छा नहीं देखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति और कोई भी राशि में लगन के अंदर विराजमान है, जैसे मान लिया लगन के अंदर वह विराजमान है 4 नंबर में, तो 4 नंबर में वो उच्च के हो जाएंगे। 5 नंबर सिंह राशि है, सिंह राशि में भी वो स्वयं का प्रभाव उनका अच्छा होगा, मतलब मान लीजिए 4 नंबर के अंदर अच्छा प्रभाव होगा, 5 नंबर के अंदर उनका अच्छा प्रभाव होगा, 11 नंबर के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव देखा गया है। ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, इनमें इनके अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद में देव गुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि होती है 9 और 12, तो इनमें भी अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। तो देव गुरु बृहस्पति लगन में बैठने के बाद में पंचम भाव को दृष्टि डालेंगे तो संतान में, विद्या में, ज्ञान में आपको बहुत उच्च शिखर तक पहुंचा देंगे। भाग्य पे दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य वृद्धि हो जाएगा, और दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के उस पर दृष्टि डालेंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे। लगन के बृहस्पति आपको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो देव गुरु बृहस्पति हैं। आपको अपने जीवन में से तामस को कम करना होगा। तामस का मतलब क्या है कि अगर आप एल्कोहलिक हैं, अगर आप ड्रग्स लेते हैं, या अगर आप जो नॉनवेज लेते हैं, अगर आप गलत संगति में हैं, अगर आप जो आध्यात्मिक नहीं है, तो ये सब चीजें आपको खत्म करनी होंगी। आपको क्या, देव गुरु बृहस्पति की महादशा का अगर अच्छा फल लेना है तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने जो है आध्यात्मिक होना, दूसरी चीज क्या है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है, तीसरी चीज मॉर्निंग में जल्दी उठना है, और चौथी चीज क्या है कि आपने अपने काम से काम रखना है, पांचवी चीज आपको सात्विक होना, हर चीज आपके सिस्टमेटिक होना चाहिए, डेली आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करने में आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं, रामायण का अध्ययन कर सकते हैं, देवी भागवत या किसी भी अच्छी बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा सर्वोत्तम जाएगी, वरना रिजल्ट इसके जस्ट विपरीत हो जाएंगे। बात करते हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव जो है, जो द्वितीय भाव का संबंध हमारी वाणी से होता है और हमारे कंठ से होता है, हमारे कुटुंब से होता है, हमारे धन से होता है, तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति को आपको किसी प्रकार से दूषित नहीं करना है, यानी आपका खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। यहां तक मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर देव गुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में है और आपकी महादशा स्टार्ट हो गई देव गुरु बृहस्पति की, आप चाहते हो ये महादशा आपके जीवन काल की सबसे सर्वोत्तम महादशा है, तो दूसरे के घर का या किसी अशुद्ध होटल का भी खाना पीना अगर आप बंद कर देते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम रहेंगे। बस अगर द्वितीय भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति है तो आपने एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको हरि का नाम,
राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेव ओम गिलीम कृष्णाय नमः, ऐसे मंत्र का आपको आंतरिक अगर आप जाप करते रहते हैं तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम 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 रहने वाला है। अन्यथा क्या है कि अगर आप इसका विपरीत परिणाम देखेंगे तो आपकी वाणी में दोष आ जाएगा, धन टिकेगा नहीं, कुटुंब से नहीं बनेगी और आपके गले में भी कोई लंबा रोग हो सकता है। बात करते हैं पराक्रम भाव में, तो देखो पराक्रम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि क्या है कि देखो गुरु गुरु का पराक्रम से ज्यादा संबंध ज्ञान से है, प्रकाश से है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में है और महादशा आपको कष्ट पहुंचा रही है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, आपका पैसा रुक रहा है, आप पैसा मारा जा रहा है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने जो है, कहने का तात्पर्य प्रत्येक दिवस घर से निकलने से पहले सिर्फ रविवार का दिन छोड़ के आपने जो है पीपल को सींचना है। ये काम आप जो 16 वर्ष लगातार कर लीजिएगा, खान पान शुद्ध कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा।